ऑर्डर ही है. सो दिस इज आवर ब्रेकफास्ट विद सागर इज मेकिंग. सागर व्हाट आर यू मेकिंग? सो हम आए हुए हैं इंडिया बिग सेवन एग्जीबिशन में. गुड मॉर्निंग गाइस. सो आज का मेरा व्लॉग है अबाउट डे इन एयरबीएनबी. सो वी आर इन मुंबई एंड वी हैव कम हियर फॉर एन एग्जीबिशन. फॉर अ एग्जीबिशन, हमारे ब्रांड की एग्जीबिशन है यहाँ पर एंड वी आर एग्जीबिटिंग हियर. सो हमने एयरबीएनबी लिया है, वन स्टूडियो अपार्टमेंट जो कि काफ़ी ही डिसेंट अपार्टमेंट है. एंड क्योंकि अभी नेक्स्ट थ्री डेज वील बी होल डे बिजी इन एग्जीबिशन, तो हमें लगा कि बाहर का इतने टाइम, बाहर का खाना, इज इट ओके और नॉट. सो हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की है. सो दिस इज आवर ब्रेकफास्ट विद सागर इज मेकिंग. सागर व्हाट आर यू मेकिंग? क्यूकुम्बर सैंडविच एंड आई कैन सी सम टोमेटोज ऑल्सो. और हमने ये बहुत सारा सामान भी ऑर्डर किया है, जीरा ऑर्डर किया है, राइस ऑर्डर किया है, ब्रेड ऑर्डर किया है, बटर फ्रिज में है, मैगी ऑर्डर किया है, क्यूकुम्बर, टोमेटो, अनियन, ये सब हमने ऑर्डर किया है. एंड आई एम मेकिंग फ्राइड राइस. सो इससे क्या होगा, बिकॉज होल डे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप तीनों मील्स बाहर के खाओ. सो वी थॉट कि अच्छा हम फ्राइड राइस आज हमें सेटअप करना है एग्जीबिशन के लिए. सो वी विल हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एंड फ्राइड राइस हम वहाँ पर लेकर चले जाएंगे या खाकर चले जाएंगे. एंड देन रात में विल फिगर आउट कि हमें यहीं पर खाना है और विल हैव समथिंग फ्रॉम आउटसाइड. बट येस, आई मीन घर पे इतना कुकिंग करने में मज़ा नहीं आता, लेकिन यहाँ पर ऐसा फीलिंग आ रही है कि कल भी हम जब आए थे तो हमने पूरा दिन यू नो ऑलमोस्ट बाहर का ही खाया था. तो आज हमें लग रहा है कि अच्छा ठीक है, हम आज के दिन इट इज़ बेटर कि हम घर पर बना लें, बिकॉज हमें दोपहर को जाना है अपने ग्राउंड में जहाँ पर हमारा एग्जीबिशन का सेटअप है. सो येस, सो एंड आई विल शो यू द रूम ऑल्सो. इट्स प्रिटी डिसेंट रूम. अभी तो थोड़ा फैल गया है बिकॉज सुबह उठे हैं हम. सो येस, एंड देयर इज अ वॉशरूम. टॉयलेट इज सेपरेट एंड नहाने के लिए इट इज़ अ सेपरेट वॉशरूम जो कि छोटा है थोड़ा, लेकिन हाँ इट्स क्लीन एंड गुड स्पेस. सो येस गाइज, आई मीन यू कैन रियली हैव अ गुड डे इन एयरबीएनबी. ऐसा नहीं है, अगर आपको खाना बनाना आता है सो आप अपने आप भी प्लान कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत, जैसे हमने भी राइस ही ऑर्डर किए हैं, बिकॉज पराठा बनाना या कुछ और बनाना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो हमने राइस ऑर्डर करके एंड सैंडविच का प्लान करके अब पता लगेगा कैसा बनेगा. आई विल गिव यू एन अपडेट कैसा बना है. बट आई एम ट्राइंग हार्ड कि अच्छा बने. सो लेट्स सी. एंड मेरे फेस पे मत जाना, आई हैव नॉट टेकन शावर अप टिल नाउ. सो दिस इज द मॉर्निंग. सो हम आए हुए हैं इंडिया बिग सेवन एग्जीबिशन में एंड वी आर एग्जीबिटिंग हियर फॉर अ स्टॉल कॉल्ड 1-2-2.5. और यहाँ पर ये हमारा स्टॉल अभी बन रहा है एंड आई विल शो यू बिफोर एंड आफ्टर के पिक्स. अभी ये पूरा फ्लेक्स बन रहा है यहाँ पर. एंड हम लोग मुंबई में हैं, हम लोग यूजली यहाँ पे रहते हैं. वी इवन एग्जिबिट इन HGH ऑल्सो. मेरा मास्क लगा हुआ है बिकॉज अभी बहुत डस्ट चल रही है यहाँ पर, सारी सारे स्टॉल्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है. सो आई कैंट रिमूव इट. सो हम लोग यहाँ मुंबई HGH नेस्को ग्राउंड में, हम लोग यहाँ बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर में, वी हैव कम मैनी टाइम्स. हमने यहाँ पर HGH में भी एग्जिबिशन लगाई है एंड नाउ दिस एग्जिबिशन इज़ पर्टिकुलरली फॉर कॉरपोरेट गिफ्टिंग. तो यहाँ पर काफ़ी देर से काम चल रहा है, हम कल आ गए थे एंड आज यहाँ पर सुबह से वी आर हियर एंड द वर्क इज़ गोइंग ऑन.
आपको पता ही है अगर आप एग्जीबिशंस लगाते हैं सो हाउ मच टाइम इट टेक्स. सो बट यस वी आर एक्साइटेड. शाम को हम लोग थोड़े फ्री होकर एंड वी वेंट ऑन मरीन ड्राइव. और मरीन ड्राइव से तो आपको पता ही है इट लुक्स लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट यू विल सी विद मुंबई कोस्ट लाइन. और आप देख सकते हो कितना ही सुंदर सनसेट है. सो उसके बाद हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया और ओबेरॉय की तरफ गए एंड वहाँ पर हमें ये बलून वाले भैया मिले जो कि जो हम बचपन में जो बड़े बड़े बलून मिलते थे उसका बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग आया एंड ही वाज वेरी स्वीट. और काफ़ी सारे बलून्स मैंने भी ले लिए एंड फिर हम गेटवे ऑफ इंडिया के आगे आ गए. सो गेटवे ऑफ इंडिया फ़ोटो से अलग दिखता है लेकिन हाँ वहाँ पर इतना रश होता है. एंड सामने ये ओबेरॉय का जो होटल है ये लुक्स अमेजिंग इन द नाइट फॉर श्योर. सो इसके आगे आप खड़े होके भुट्टा या कुछ खा सकते हो. ओके गाइस, सो हमारा फर्स्ट डे बहुत ही बिजी और इंटरेस्टिंग जा रहा है. ये हमारा पूरा स्टॉल है और सुबह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है टू गिव एन अपडेट एंड मेक द वीडियो बिकॉज ऑल द टाइम पीपल वर कमिंग एंड टेकिंग द क्वेरीज. सो यस, एग्जीबिशन इज़ गोइंग क्वाइट ग्रेट एंड वी आर होपिंग टू हैव गुड बिजनेस फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स. एंड आपको भी हमसे कॉन्टैक्ट करना है एंड इफ़ यू हैव सम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग रिक्वायरमेंट सो यू कैन डेफिनेटली कॉल अस ऑन 8708787273 और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन info@ekdodhai.com एंड वी विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर क्वेरीज. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. अगर आपको गिफ्टिंग में बेस्ट सॉल्यूशंस एंड बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए देन यू मस्ट विजिट 1-2-2.5 और कॉन्टैक्ट सो दैट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों टू गिफ्ट टू योर एम्प्लॉयज़ और टू योर क्लाइंट्स. हमारे पास देर इज़ अ होल रेंज ऑफ एलीट एंड बेस्ट क्वालिटी ग्लासेस विद प्रिंटिंग ऑन इट एंड देन देर आर लॉट ऑफ टेबल टॉप्स, देर आर लॉट ऑफ टिश्यू होल्डर्स, कटलरी होल्डर्स, गेम्स, पजल्स. सो मैनी थिंग्स आर देयर, जार्स, वेरी नाइस एंड ब्यूटिफुल जार्स. सो मैनी थिंग्स आर देयर एंड द बेस्ट पॉसिबल पार्ट इज कस्टमाइजेशन इज अवेलेबल बिकॉज वी आर अ डिज़ाइनर कंपनी. सो वी कैन मेक एनी थिंग फॉर यू एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड थीम ऑफ योर ब्रांड. तो ये होता है सीन आफ्टर एग्जिबिशन. और कहीं पर भी कुछ भी सामान गिरता है, धूल मिट्टी मचती है, आपको चोट लगने का भी डर रहता है, बट एग्जिबिटर्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बस ऐसा है. मैं हूँ अनिला गुप्ता फ्रॉम याजा टेल्स और आज हम लोग आए हैं सिद्धि विनायक टेम्पल मुंबई. अपनी एग्जिबिशन के बाद हमारी एग्जिबिशन थी फॉर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एंड आज है सागर का बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. और हम सिद्धि विनायक टेम्पल आए हैं गणेश जी के दर्शन करने, आशीर्वाद लेने. सो यहाँ पर रश तो काफ़ी है आज क्योंकि संडे है. सो देर आर डिफरेंट पार्ट्स हियर, लाइक यू कैन टेक अ टिकट ऑफ 100 rupees, देन 200, देन 400 एंड 1500. सो वी हैव टेकन द वी आई पी टिकट एंट्री सो दैट
आई मीन द क्यू इज लिटिल बिट शॉर्ट हियर, तो आई एम जस्ट होपिंग कि हमारे दर्शन अच्छे हो जाएं डायरेक्ट. इसके साथ ही प्रसाद भी मिलता है आपको टिकट के साथ, जो आप अंदर चढ़ाते हो और घर लेकर जाते हो. सो लेट्स सी गणपति बापा मोरिया. हमारे दर्शन हो गए हैं और दर्शन बहुत ही सुंदर हुए हैं. एंड सागर को उन्होंने डाला है एंड इट्स अमेजिंग. तो हम लोग सिद्धि विनायक से दर्शन करके आ गए हैं और दर्शन बहुत ही अच्छे हुए. एंड यहाँ पर नाउ वी हैव चेक्ड इन आवर होटल फेयरफील्ड बाय मैरियट. एंड यहाँ से जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम आवर रूम. दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर रूम. आई मीन यू कैन सी, आई कैन काउंट, कैन आई काउंट कितने लोग आ रहे हैं. और यहाँ पर ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ऊपर. वाह यार, बहुत ही मजा आने वाला है यहाँ तो रहने का. ये जा रहा है, बाय 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 बाय. और ये अभी यहाँ से प्लेन्स बहुत सारे सामने रन रहे हैं और वहाँ से प्लेन्स टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहे हैं. मतलब गुड़गांव में भी बहुत सारे लोगों के घर एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने हैं, सो दे कैन सी इट. बट I mean for us this is the first time that from the hotel we can see the direct view of airport. और ये देखो अभी हम आपको दिखाते हैं लैंडिंग. आया 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 आया, वो दिख रहा है, ये आगे 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 एंड लैंडेड. ये है इंडस्ट्रियल एरियाज का ट्रूथ. यहाँ पर बिल्कुल साथ में ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है और इसका सारा वेस्ट यहाँ इस नाले में आता है. एंड दिस इज लाइक बिल्कुल काला पानी, स्टिंकिंग वाटर का सारा पानी यहाँ पर आ रहा है. और ये यहाँ कुछ तो पार्टी ग्राउंड है. और ये है बुद्धि बॉय का बुद्धि केक रिवील. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सागर, हैप्पी बर्थडे टू यू. मैं खिलाऊंगी. विश मांगो. टेस्टी है ना. विश मांगनी. मैंने विश बताते नहीं है, नहीं तो पूरी नहीं होती. बता दो यार, थोड़ी सी तो बता दो यार. Which has to be secret. Okay. Otherwise not. तो ये आप केक पूरा खाने वाले हो? Hopefully. टेस्टी है ना. साथ में ये सिद्धि विनायक जी का प्रसाद भी खा लेंगे हम. मोदक बहुत ही यम है. ये भी कौन सा केक है यार? चॉकलेट केक. चॉकलेट केक तो मुझे समझ में आ रहा है, चॉकलेट में कौन सा फ्लेवर है. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट सिंपल कि चॉकलेट केक है, बाकी की रेसिपी सीक्रेट है. निकल रहा है
अच्छा तो गाइस पता क्या, सागर ने ना बॉटल ऑर्डर की है, हमें अभी पता लगा कि मुंबई में, लाइक पहले भी पता था बट हम लोग साथ में तो कैरी कर नहीं रहे हैं, सो क्योंकि आज बर्थडे है सागर का, तो ही सेइंग कि मैं बॉटल ऑर्डर कर रहा हूँ और पार्टी करनी है, सो केक के साथ थोड़ा सा कुछ स्वाद के लिए, हाँ भुजिया निकाल लो यार, केक एंड भुजिया का कॉम्बिनेशन, भुजिया छोड़ के तो नहीं आए हो ना तुम वहां पर, हम गोना नाउ एंड सागर का बर्थडे है और हम लोग आए हैं बैस्टियन में और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है एंड वी हैव ऑर्डर 2-3 थिंग्स, देर आर नॉट मच ऑफ द ऑप्शंस इन वेज बट वी हैव ऑर्डर समथिंग एंड आई विल शो यू हाउ इज इट बट लेट मी शो यू द रेस्टोरेंट फर्स्ट. Edamame hummus, this with hummus, looks yummy. And this is the next dish, string beans. Basically these are some sort of fried beans with onions and chili flakes on it, which I can see but let me try aur fir main aapko batati hu ye kaisa hai. Aur ye hai Bastion ka pura view. This is the bar area. And अब हम चले, एंड अभी हम वापस आ गए हैं होटल में अपने फेयरफील्ड बाय मैरियट मुंबई में, एंड यहाँ पर आकर हमें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिला है. यहाँ पर जो डाइनिंग हॉल है वहाँ पर एक दो ढाई के बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड हैं, स्पेशली सेरेमिक जार्स, एंड वी गॉट रियली रियली हैप्पी, एंड यू नो वी ऑल्सो टॉक टू द मैनेजर एंड दे सेड वी रियली लव दीज प्रोडक्ट्स, दे बॉट इट फ्रॉम समवेयर एल्स लाइक सम डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ आर्स बट देन We got happy. और ये है मुंबई की डबल डेकर बस. I guess मुंबई पीपल कैन रिलेट टू इट. Guys, this is Isha Ambani's house, which looks stunning from outside. It is so huge and बाहर से पूरा ग्लास का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. ओके गाइस, सो हम लोग वापस जा रहे हैं फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, और हम लोग ऑलमोस्ट 50 hours से इनफैक्ट फ्लाइट में बैठे हैं, और हमारा 9 PM का डिपार्चर था बट बिकॉज ऑफ रेन्स एंड हैवी ट्रैफिक ऑन मुंबई एयरपोर्ट हमारा जो डिपार्चर टाइम है वो डिले होता जा रहा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू विजिट मुंबई ड्यूरिंग रेन्स, यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट फ्लाइट में गेट डिलेड. सो आप अपना जो भी फर्दर प्लान करते हैं, इट इज़ बेटर कि आप सपोज़ आपका कनेक्टिंग फ्लाइट है आगे या आपकी कोई फर्दर फ्लाइट है, सो इट इज़ बेटर कि आप अपना थोड़ा टाइम गैप लेके चले, या आपकी कोई मीटिंग है सो बेटर यू टेक द टाइम गैप, क्योंकि बारिश का तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, एंड ऑल्सो द ट्रैफिक ऑन एयरपोर्ट. सो काफ़ी ही तेज़ बारिश हो रही है बहुत देर से, अभी थोड़ी सी कम हुई है बट फिर भी कैप्टन हैज़ अनाउंस कि ATS ने बोला है कि अभी हाफ एन आवर तो नहीं जा सकते हैं, एंड ऑल्सो लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. सो यस, हमारा मुंबई का स्टे काफ़ी अच्छा था, एग्जीबिशन वॉज गुड, वी ऑल्सो विजिटेड बैस्टियन एंड मैनी अदर प्लेसेस,
It was good and the best part was I really like Mumbai airport. It's better than Delhi. बड़ा ज़रूरी है बताना, मुंबई एयरपोर्ट इज़ बेटर देन दिल्ली गाइस। और देखो बारिश हो रही है बाहर, दिख रही है आपको? दिख रही है? ओके बाय। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्लिक ऑन द बेल आइकन। आई वांट योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइबर्स, आई प्रोमिस यू कि मैं इसके बाद आपको और आगे आने वाले दिनों में और अच्छा कॉन्टेंट आएगा आपके लिए, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी एंड सम मोर फन एक्टिविटीज़।